इसका पोस्चर किस तरह से ये स्लाउच कर रहा है, किस तरह से इसके कंधे, इसके कंधों की चौड़ाई बहुत अच्छी है, यानी कि एथलेटिक स्ट्रक्चर है। अब्दुल है, अब्दुल कहाँ से आए हो? I'm from Rampur, उत्तर प्रदेश। अच्छा, रामपुर से है। yes. और अब्दुल के साथ मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अब्दुल ने दो दो MRI कराई है, राइट? यस। और अब्दुल को 2 साल से प्रॉब्लम है। अब्दुल अभी कितने साल के हो? 25 ईयर्स के हैं, यानी कि 23 साल की उम्र से इनको दिक्कत हुई। अब्दुल अपने वर्ड्स में बताओ, जैसे तुमने मुझे बताया था कि क्या दिक्कत है, जैसे हमने कंसल्टेशन किया था, वो बताओ। मैं नॉर्मली वेट लिफ्ट कर रहा था, मेरे शोल्डर पर वेट आ गया था, उसके बाद से मेरे शोल्डर में पेन शुरू हो गया और वो उसके लिए रिलीफ नहीं मिल पाया 2 साल से। हाँ, तो बिल्कुल यही इसके वर्ड थे। उसके बाद क्या बताया, क्या दिक्कत हो रही है अभी इस? मतलब मैं नॉर्मली बैठा होता हूँ तो पेन होने लगता है शोल्डर से पेन शुरू होता है, पूरे हाथ में आ जाता है, अपर बैक में, अपर चेस्ट में और नेक में भी आ जाता है। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पूरी अच्छी लगती है, आपको कंटेंट हमारे समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक आइकन को हिट करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स पूछें। और आप लोग अगर नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस वीडियो से बाहर जाएं, वरना हमारा जो एफर्ट रहता है, हम काफ़ी एफर्ट से वीडियो बनाते हैं, पेशेंट्स से कन्विंस करते हैं कि, और अगर कोई नहीं देखता या सब्सक्राइब नहीं करता चैनल, तो हमारा एफर्ट वेस्ट जाता है। तो उसने यही वर्ड्स बताए। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं या आप कभी ना कभी किसी न किसी दर्द से परेशान होंगे, तो आप देखिए कि इसके साथ में, और आपने डॉक्टर को कहाँ पे दिखाया था? मैंने अपोलो दिखाया, होली फैमिली दिखाया और अपने रामपुर में भी दिखाया। हाँ, तो इनको एक डॉक्टर ने 2 MRI लिख दी, एक शोल्डर की और एक नेक की। तो जैसे मैं भी समझ गया था, जैसे पेशेंट ने अपनी प्रॉब्लम प्रेजेंट की थी कि क्या दिक्कत है, लेकिन 2 MRI लिखना और समझना, यानी कि इसका मतलब तो यह है कि MRI करा लो और हर कोई प्रॉब्लम समझ जाएगा और डॉक्टर को अपना हार्ड वर्क जो होता है, फिजिकल असेसमेंट जो करना होता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस जो करना होता है, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं डॉक्टर्स जो सालों पढ़ते हैं, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मैसेज है कि MRI के बाद भी इलाज नहीं हुआ, राइट? हाँ जी। सो मैं हमेशा एक चीज़ से बहुत चिढ़ता हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, MRI कराना ज़रूरी नहीं होता है। अगर MRI से इलाज हो जाता अब्दुल तो मेरे पास नहीं आता, राइट? बिल्कुल, है ना। तो एक चीज़ याद रखना है, और एक मैसेज अब्दुल के लिए भी है इसमें, जो अब्दुल ध्यान रखे और हमेशा दिमाग में रखे कि ये दिक्कत आपके कंधे की नहीं है। ओके, है ना, कंधे से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी नेक से है, अपर बैक में मस्कुलर वीकनेस भी आ गई है, गर्दन में तो दर्द होता है, और गर्दन में जब कंप्रेशन होता है उसकी की वजह से इसके हाथ में रेडिएशन या मैं नर्व का पेन बोलूँ जो हाथ में जाता है, ठीक है, तो सर्वाइकल की दिक्कत की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब गर्दन से कोई भी दर्द जाएगा तो इसी तरह से तो जाएगा, वो नीचे घूम के तो नहीं जाएगा ना। तो गर्दन जो सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं, सर्वाइकल के जो नर्व रूट्स होते हैं, जो नर्व्स निकलती हैं गर्दन से, वही आपकी हाथों को कंट्रोल करती हैं। और इसके लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आने की वजह से ही इसका सारा दर्द लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट नर्व रूट्स इसकी कंप्रेस्ड हैं। और जब भी ये, इसने खुद भी मुझे बताया कि ये मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करता है ना, तो आप में से भी कोई बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग या मोबाइल फ़ोन या वीडियोस देखना या मूवीज़ देखना करते हैं तो प्लीज़ मत कीजिएगा। अब्दुल, कुछ और शेयर करना चाहोगे अपनी इन्फॉर्मेशन? मैंने कल नर्व्स का टेस्ट कराया था अपनी, एनसीवी कराया था और EMG, उसमें भी कुछ सब कुछ नॉर्मली आया, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन इश्यूज कर दी। हाँ, तो मैं इसको मैसेज भी देना चाहूँगी, सारी चीज़ें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है। पेशेंट 2 साल से सारे टेस्ट करा रहा है, नए नए डॉक्टर के पास जा रहा है, बार बार भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? उसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि उसको इलाज नहीं मिल रहा, राइट? हाँ जी, है ना। तो जो चीज़ मरीज को ठीक करती है वो चीज़ तो की नहीं गई, जिस चीज़ से मरीज को कोई फर्क नहीं पड़ता वही सारे डॉक्टर करते हैं। तो डॉक्टर बदलने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, आपको सही डॉक्टर की जरूरत होती है जो आपका इलाज कर सके। अभी हमने इसका बैक मसल्स को रिलीज किया है, यानी मसाज किया है, हमने इसकी कपिंग की है, हमने इसका एडजस्टमेंट की करने के दिखाएंगे आपको, ये सारी चीज़ें की है। और क्योंकि इसकी दिक्कत पुरानी थी तो हमने इसको 10 दिन के लिए बोला, बट ये रामपुर से आया है तो यहाँ पर जितने भी दिन रुक सकता है, ये बात हमने इसके ऊपर छोड़ दी है। बट तेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तू अगर समझता है इस वीडियो से कुछ भी सीख के जाता है,
समझ आती है तो हमारे पास हर चीज है, हम आपको दर्द के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, दवाई भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम चाहेंगे कि आप कोई चीज ना लो और ट्रीटमेंट से, हीलिंग से ही बेटर हो। फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा तो हम आपकी हेल्प कंटिन्यूसली करते रहेंगे। और चलो आप तो लेटेंगे, स्टमक पे लेटेंगे। लंबी सांस लेंगे, इजी। इसकी टाइटनेस बहुत ज्यादा है, स्ट्रक्चरली भी मैं फील कर सकता हूँ। ये काफी हार्ड हो चुकी है मसल्स। हाँ, करवट लेंगे, लेते नीचे वाला पैर सीधा, नीचे वाला। कैसा है आपका एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है? तो काफी बेहतर लग रहा है, पेन भी महसूस नहीं हो रहा था। ना, इसका एक बार पोस्चर देखा था साइड से, ताकि व्यूअर्स समझ सकें कि सामने देखो कि क्या है इसका पोस्चर, किस तरह से ये स्लाउच कर रहा है, किस तरह से कंधे, इसके कंधों की चौड़ाई बहुत अच्छी है, यानी कि एथलेटिक स्ट्रक्चर है। बट जैसे ही आप गर्दन का स्ट्रक्चर देखते हैं, शेप देखते हैं, गर्दन ये काफ़ी आगे जा चुकी है, कंधे काफ़ी आगे बेंड कर रहे हैं, तो पीछे से ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसको एक्सरसाइज आज से ही या कल से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। डॉक्टर अतिया इनको एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन कर देंगी और आपको देख बताने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस वीडियोस में जाके, मैंने बहुत सारी नेक पेन की इन सब की वीडियोस डाली है, तो आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या एक्सरसाइज है। मैं इनको पुशअप के लिए बोलूँगा, पीवीसी पाइप से मोबिलिटी के लिए बोलूँगा, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके होल्ड करने के लिए बोलूँगा, शोल्डर रोटेशंस के लिए बोलूँगा और नेक मोबिलिटी के लिए बोलूँगा। ठीक है अब्दुल, ठीक होना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, वरना तुम मेरे से यानी इस क्लिनिक से छोड़ के किसी और क्लिनिक पे चले जाओ। बिल्कुल राइट। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स जहाँ पर भी जो लोग परेशान हैं उनसे शेयर कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी आई हैं कि हम कई कॉल्स आंसर नहीं करते या हर चीज़ का जवाब नहीं दे पाते। प्लीज़ इतना लोड मत डालिए कि हम हर चीज़ आपको व्हाट्सएप या फ़ोन पे ही आंसर करें। हमारी हर पॉसिबल कोशिश रहती है आपका हर रिप्लाई देने की, बट हम भी ह्यूमन से, हम कभी ना कभी हम भी रेस्ट करते हैं, तो हम उसको देर सवेर रिप्लाई ज़रूर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।